सो दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड में बैक विद अनदर वीडियो जो 2023 के एंड में हो जानी चाहिए थी। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड अवार्ड्स, इंडियन मीम अवार्ड्स 2024। और मैंने सोचा कि कमबैक करने के लिए इससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं मैं इंतजार कर रहा था कि शायद आईमा आए, मीम अवार्ड्स आए, कि हम वापसी करें उस चीज से। Damn, Simon got moves, man. Best political, yeah. Emma Awards. I think it should go to Melody. Melody. Yeah. Ashish bhai to gayab se hi ho gaye, mujhe lagta hai. Ashish bhai kahan chale gaye? Where are you, Ashish? The world not wants to know. Best YouTube meme. I hate this. अर्पित बाला का नाम ले ही लिया है तो ये भी बता देता हूँ कि अर्पित बाला has also won the IMA award for the best meme personality. मिलना चाहिए भाई, बहुत yes, मतलब इसके बहुत meme templates हैं। ये वाला भी है। क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई? किड्स मीम यार। स्टीफन हॉकिंग्स के भी बहुत मीम्स बने। अबे यार, एक तो ये आ जाता ना, गुस्सा बढ़ा आता मेरे को। ये ये मुझे बहुत सिखाओ, बड़ों को सलाम करे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को, सबको मरना है। नहीं, ये नहीं, इनको नहीं। ये थोड़े टाइम के बाद वो हो गए थे, थोड़े से इरिटेटिंग हो गए थे। सॉरी किड्स, I'm sorry, but the IMA best kids meme is I Hindi. ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? ओके बच्चे मीम बन रहे, लेकिन मैं खट्टी टॉफी में ज्यादा पसंद था। मैं 2 मिनट, आई थिंक खट्टी टॉफी और कहीं यूज नहीं होती। आज अपना परफॉर्मेंस कर ले। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आदित्य। मेरा सपना है कि एक दिन आदित्य बुलाएगा और मैं जाऊंगा वहां पर। सारे बोलो। वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स। हरदा मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। क्या बात है। Huge round of applause for this is called virtual city. I mean, no contact. वैसे एंट्री अच्छी थी, लेकिन डांस करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। नो साइमन स्टॉप। बोला ये बोला इसकी तो उंगली ही टेढ़ी है। Note, it's time for the best meme song of the year. Wow, this winner, बाकी सारे nominees को अपनी औकात दिखा दी। मोए मोए दफा 406।
दीपिका और रणवीर का रिलेशनशिप कैजुअल था यार ये वीडियो हमारा अगला कैटेगरी पूरे YouTube इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है यूट्यूबर्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम द बेस्ट ई लफड़ा ऑफ द ईयर और आज पूरे शो में बस इसी कैटेगरी में मेरा नॉमिनेशन कुछ हुआ फिंगर्स क्रॉस्ड मुझे याद नहीं है लेट्स टेक अ लुक थोड़ा दूर था इस साल ई लफड़ा बेस्ट ई लफड़ा बीफ ओके ओके दिस ये मुझे याद है कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से अब जैसे उसने मेरे को रिप्लाई किया उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया हेट निकाली उसने मेरे को पर्सनल टारगेट करा नेगेटिव पीआर करवा रहा है हां नेगेटिव पीआर कराना कि एल्विश की इमेज नेगेटिव बनानी है सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर वो क्या नेगेटिव बनाएगा भाई आई मीन अच्छा तुम करो तो वो अच्छा है और वही काम वो करे तो नेगेटिव ऐसे नहीं होता भाई सर आप नहीं बच पाओगे झूठे झूठे आरोप एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला फिजिक्स वाला वाला पुराना है जर्नलिस्ट पीपी पुपू एक महीने पहले बोला था कि मुझे रोस्ट करेगा लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं आया लगता है आई मिस्ड मैन यार मैंने चीजें मिस कर दी हफ्ते उसने ये ट्वीट डाला जिसमें मुझे उसने एकदम भयंकर रोस्ट कर दिया मुझे एक बात बता कि तुझे एल्विश की गांठ चाटने के क्या बेनिफिट्स मिले ओ भाई साहब साइमन मैन साइमन से पंगा नहीं भाई साहब वो चलिए देखते वो चला जाता मम्मा बहन पे चला जाता IMA award for the best ilafda goes to pipi poo poo bas bhai sandeep maheshwari versus vivek okay respectable fine I feel like a genuine audience right now mein mera ek category mein nomination tha usme bhi tum log ne mujhe nahi jitaya साइमन यू आर अंडररेटेड ऐसे नहीं होता इंटरनेट का लफड़ा इसमें दो अंकल लोग को जिताने का क्या जरूरत था यू नो व्हाट मुझे अभी-अभी खबर मिली है कि आईमा में इसी साल एक नया रूल निकला है और वो नया रूल ये है कि पूरे शो में आई हैव वन वीटो पावर और इस वीटो पावर के अनुसार मुझे पूरे शो में एक रिजल्ट चेंज करने का मौका मिलता है व्हाट सोच रहा था कि मैं पावर बेस्ट मीम अवार्ड के लिए सेव करूं लेकिन I think I would like to use it right now. You see, इस कैटेगरी का जो विनर है विवेक महेश्वरी वर्सेस संदीप बिंद्रा जब मैं नॉमिनेशन लिस्ट बना रहा था तब ये इलफड़ा ही था लेकिन बाद में ये मैटर कोर्ट में चला गया यार ये मैटर भी कोर्ट में चला गया और वो प्रखर वाला भी कोर्ट में चला गया मतलब बकवास हद हो गई कोर्ट में चले जाता है तो कोई एक दूसरे के बारे में बोल नहीं सकता हमें कोई अपडेट नहीं मिलता तो इसमें हमारा क्या फायदा सब कुछ इंटरनेट का लफड़ा इंटरनेट पे ही होना चाहिए अगर कोई लफड़ा कोर्ट में चले जाता है मतलब मजाक बनाते तुम लोग चीजों का And that is why, unfortunately, Sandeep Maheshwari versus Vivek Bindra is disqualified from this category. Yeah. And I therefore, get it. By I mean, default, this category का जो runner up है, उसे ये award मिलेगा. अब देखो मैं इसमें कोई favoritism नहीं कर रहा हूँ. Okay, जो runner up है, मैं उसको ये award दूँगा. Okay. Simon. Third umpire के decision के बाद, the IMA award for the best e-lafda goes to Simon Bean versus Pipi Poo Poo. Simon says versus Pipi Poo Poo. Yeah. ये जो देश है मेरा वाओ क्या बात है आई डेफिनेटली वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वन बट आई डेफिनेटली थिंक आई डू डिजर्व दिस आईमा अवार्ड क्योंकि मैंने इस अवार्ड के लिए बहुत स्ट्रगल किया है आई मीन आफ्टर ऑल मैंने पीपी पुपू के इतने सारे वीडियोस देखे और इतने सारे ट्वीट्स पढ़े पीपी पुपू फन फैक्ट ये लफड़ा पिछले साल नहीं 3 साल पहले शुरू हुआ था जब पीपी पुपू एल्विश की नहीं कैरी मिनाटी की पीपुड़ी बजाता था जिनको सामने से चौड़े में कैरी मिनाटी ने बोला कि तुम मेरी चाटते आए हो अब जब मौका मिला तो तुमने मुझे गिरा दिया यू कैन नॉट जस्ट गो ऑल आउट एंड जब मौका मिले तो उसी को मार के उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाए
कुछ ऐसे लोग जो पर्सनल फेवर्स लेने के बाद उस बंदे को जो अधमरा होता है उसको इतना मारते कि वो मर ही जाए। I'm sorry guys, मैंने कैरी मिनाटी को मार दिया। मैंने मार दिया। वो है ही नहीं। वो क्या है, मुझे पीपी बुबू की तरह बेखौफ ओपिनियन देना आता नहीं है ना। सही बात है। पहले भाई की चाटने का और फिर भाई को क्रिंज बुलाने का। हाँ। Oh, the song is lit. So as you saw, इसी मैंने देखा नहीं भाई, मैं कुछ टाइम हो गया वीडियोस में देखे, गाने वगैरह नहीं देखा मैं। बॉक्सिंग मैच भी होने ही वाला था। पीपी बुबू ने मुझे ट्विटर पर बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया था। पीपी बुबू के साथ मैं बॉक्सिंग मैच एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मुझे ट्वीट काफी सस लगा। We both have same number of subscribers on YouTube. Okay, fair enough. We both are short-heighted. Okay. लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके तीसरे पॉइंट पर गौर फरमाइए। We both are single. We both are single. Damn. Now he's gone too far. क्या ये फाइट के लिए पूछ रहा है कि डेट के लिए पूछ रहा है? मिथपैट का छोड़ो, लगता है इसको मेरे छोटू में इंटरेस्ट था। पीपी पुपू, मैक्सटन की बात सुन लेनी चाहिए थी। Yep. चलो ठीक है। Yep. अब मेरे साइड से यही लफड़ा खत्म, क्योंकि मेरा मिशन अकॉम्प्लिश हो गया, मुझे मेरा आईमा अवार्ड मिल गया। Good. Yeah. Make some noise for the desi boy. A huge round of applause for me. Oh, क्या बात है? This would not have been possible without me. So congratulations to me and thank you to me. Excuse me, Simon says. Excuse me. My God. It's पीपी पुपू हिमसेल्फ। अभी वो है और अब कुछ नहीं छुपेगा। सीमन को लगता है कि वो अकेले इस अवार्ड को डिजर्व करता है। हाँ? Well, सीमन, don't get too excited. तो जैसे आपको पता ही है, मैं डीकोड करने में माहिर हूँ। तो ejaculate करने से पहले इस सिचुएशन को थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं। The fact is that Seaman says could not have done it without me. देखो, मेरे बिना ये लफड़ा हो ही नहीं सकता था। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। So that is why I fair. actually deserve this IMA award for my unbiased, unfiltered and bake-off opinions. Thank you everyone who voted for us and thank you. He should do a ASMR, I think. Thank you to Mithpat also. Huh? Seaman says ko apna chhotu rakhne ke liye? God damn. Main na sunta bhai. Main na sunta. Stop. Pee-pee-poo-poo, stop. मूड ऑफ हो गया। अनफॉर्चुनेटली ही इज राइट यार, अब मैं इसको पीपी पुपू बुलाऊंगा। वो डिजर्व करता है। आई हैव वन बट एट व्हाट कॉस्ट? मुझे पीपी पुपू के साथ ये अवार्ड शेयर करना पड़ रहा है। एनीवे, मूविंग ऑन, आई नो सभी को बेस्ट मीम कैटेगरी का बेसब्री से इंतजार है एंड स्पेशल गेस्ट, पर अभी तो आधा ही हुआ भाई। इसके पहले इट्स टाइम फॉर द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस बार लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड हम एक जोकर को देंगे। इनफैक्ट ही इज नॉट जस्ट अ जोकर, ही इज द एंटायर सर्कस। ही डिजर्व्स दिस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड क्योंकि उसने रोस्टर्स को लाइफटाइम के लिए अनलिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड किया है। ही इज अ राइडर प्रोवाइडर। हेलो विश भाई का डिक राइडर। यस, द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड गोस टू राइडर। भाई साहब, हम लोग जीत गए यार, हम लोग जीत गए। मुझे लगता है मुझे अपने 1 million पे भी इतनी मुझे जिंदगी में अपनी कभी खुशी नहीं हुई भाई। बिलीव दैट बुबू भैया डिजर्व्स दिस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड क्योंकि बुबू भैया के साथ बीबी हाउस में बहुत अन्याय हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। हम यूट्यूबर्स माइनॉरिटी है ना, इसलिए टीवी वाले हमें नीचा दिखाते हैं। कहीं ना कहीं वो शो में ना मेरी कम्युनिटी, मेरी प्रो सेना को लेकर ये सब ज्यादा हो गया था। मजाक की तरह लिया करो। आपको बताएं ये सब ज्यादा हो रहा था। क्या क्या हुआ? बीबी वालों ने हमारे बुबू भैया को नेशनल टीवी पे नचाया। मुझे बोला नाच, मैं नाचा। मैं जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं। भाई ये क्या कर रही है? ये कराच ना आके मैंने देखा नहीं, ये कराच ना आके दिए थे नेशनल टेलीविजन पर। और बताए क्या हुआ? वो लोग ने हमारे बुबू भैया से वॉक ऑफ शेम करवाया। कैन यू बिलीव इट? उस वीकेंड के बारे में ना एक एक्टिविटी कराई गई मुझसे, और उस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। मैंने जब उस वॉक ऑफ शेम को चलना शुरू करा ना, तो बाकी घर वाले शेम 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 चिल्ला रहे थे पीछे से। जब आप चल रहे हो और आपके पीछे से लोग शेम शेम चिल्ला रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया इस शो में मैंने। और इतना ही नहीं, मुझे बोलने में भी घिन आ रही है, लेकिन उन्होंने हमारे बुबू भैया से उठक बैठक करवाया।
बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर, मेरे से उठक बैठक लगाए गए, मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जी रहा हूँ जिंदगी में, ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। ओ भैया आपके साथ ये जो अत्याचार हुआ है ना, ये कोई डिस्ट्रैक या फिर कोई एक्सपोज वीडियो से व्यक्त नहीं होगा, तो कहता हूँ कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए। कौन वो? हाँ वो एन फ्रैंक के बुक से भी ज्यादा बिकी। अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था कि क्या ही कर दिया मैंने। हमारे बुबू भैया के साथ इतना अत्याचार हुआ कि वो 2 करोड़ रुपया देके बीबी हाउस से एग्जिट करने को तैयार थे, और ये 2 करोड़ रुपया उनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी। मैंने अपनी जिंदगी के जो 2 करोड़ रुपए कमाए थे ना, जितनी कमाई कमाई थी सब दांव पे लगाने के लिए मैंने वो लाइन, मैंने एक चीज नहीं, यहाँ ये गलत है। जब ये 2 करोड़ बोल रहा था आई थिंक मुझे याद है, तो बाहर मुझे याद है बाहर लोग कह रहे थे 2 क्या 4 ले लो 2 क्या 4 ले लो, ऐसा कुछ चल रहा था। मुझे बस घर भेज दो, मैं क्लेरिफाई मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। लेकिन शो से निकलने के तुरंत बाद उसने 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ले ली। भाई 1-2 महीने रुक जाता, बिग बॉस ठीक से खेल नहीं पाया तो एटलीस्ट विक्टिम का ठीक से खेल लेता। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये गाड़ी रेंटेड है, वैसे भी इसके खुद का कुछ होता नहीं है। इसने जो डिस्ट्रैक्ट डाला वो भी इसके खुद का नहीं है। मैं खुद को अंडररेटेड बोला था, लेकिन बुबू भैया खुद को गोट बुलाते। ये क्या है? ये इट्स द गोट। गोट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में रहती है, जो कभी भी झुकती नहीं है किसी के सामने, नो। बट दिस इज द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऐसे लोग भी खुद को गोट बुला रहे हैं? सही नहीं जीता ये। मैं खुद को ऐसे कभी गोट भी बुलाऊंगा? सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। ये गोट बहुत मींस, सही में नहीं जीता ये। बट यू कैन कॉल मी गोटा, ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। ओके, आप मुझे अपना गोटा मानते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बाय कमेंटिंग साइमन इज माय गोटा। एंड एज योर गोटा, आई होप आपने अगले कैटेगरी में नोटा नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि अगला कैटेगरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द इवनिंग, द बेस्ट मीम अवार्ड। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। नाउ एज यू नो, इस चैनल पर एक ट्रेडिशन है कि मैं जिनको रोस्ट करता हूँ उनके साथ कोलैब कर लेता हूँ, राइट? तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो सिस्टम फाड़ देंगे। नो नो, but before that let's take a look at the nominees for the best meme. Okay, best meme. Okay. अभी तो बहुत बची वीडियो। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? So elegant, just looking like a wow. सचिन क्या है? सचिन ये बुरा है, लपू ये बुरा सचिन है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठते रहे। अर्पित प्लीज बना लेंगे। अर्पित प्लीज, बस ये एको चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे का लंट पकड़ो। ओए पुलसागी, ओए आ जाओ बेटा बाप भैया। बस अच्छा, ये औकात दिखा दी। ओके, मैनी मोर, मैनी मैनी मोर, बहुत मीम्स है भाई। Rich ear for memes. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। एवरीबॉडी प्लीज वेलकम एल्विश भाई के सबसे बड़े फैन आमिर। तो आमिर कैसे लग रहा है आईमा में आकर? ठीक लग रहा है। Yeah. क्या बात है, आज एल्विश भाई के सबसे बड़े फैन और एल्विश भाई के सबसे बड़े हेटर साथ में मिले हैं। क्या बात है भाई, भाई। क्या बात है, साइमन भाई ने हिस्ट्री लिख दी है, मालूम है क्या? आईमा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बात बताओ आमिर, तुमने एल्विश भाई में ऐसा क्या देखा जो साइमन भाई में नहीं देखा? मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। देखना है हाँ? दिखाओ क्या? हाँ दिखाओ। Anyway, it's time to announce the winner. The winner of the best meme 2023 goes to Amir. Please do the honors. The IMA award for the best year memes goes to. अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। Okay, that's fine. But it was a good meme, actually. Watch it.
मैं भी जाऊंगा एक दिन, आई विल बी देयर, डोंट हैव। बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन से मेरा सपना था एक मीम अवार्ड जीतने का, बचपन से जो मैं हासिल कर लिया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ऑडियंस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने मुझे वोट दिया, थैंक यू सो मच ऑडियंस। और मैं बोलना चाहूंगा कि साइमन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए साइमन भाई, यार ये मुझे बोलना था, ये बोल गया, लौंडा बोल गया, चीजें होती हैं, क्या कर सकते हैं, थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन। सॉरी आमिर, मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया। साइमन जस्ट पुल्ड अ स्टीव हार्वी हियर। आमिर भाई, आपको 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 बेस्ट मीम अवार्ड नहीं मिला है, एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, आपको आपको बेस्ट मीम नहीं मिला है, आपको मोस्ट ओवररेटेड मीम अवार्ड। नहीं, ओवररेटेड तो लप्पू सचिन, नहीं नहीं नहीं। A huge round of applause for the most overrated meme of the year. Okay. यही देखने के लिए मैं इतने दूर से आया था। Down to earth बनता हूँ मैं, down to earth. Hello. ये बाकी award shows की तरह नहीं, ये किसी celebrity को बुला दिया तो उसको जबरदस्ती award दे दिया, ठीक है? क्या हुआ? ये actual लोगों ने voting की है, ये democracy है, समझा ना? Hey आमिर भाई, क्या कोई बोल सकता है क्या? हाँ? आमिर भाई। Oh no man. एलविश भाई के सामने भी बोला है तो ये आमिर भाई क्या है? रुक, तेरा सिस्टम हैंग करता हूँ, रुक। हाँ जा, रुक, तेरा सिस्टम हैंग करता हूँ। क्या है ला? वेल, अब मजाक नहीं करूंगा, अब रियल करूंगा। इट्स टाइम फॉर द बेस्ट मीम अवार्ड। किसका था ये डायलॉग, मुझे याद नहीं आ रहा। दिस इज इट लेडीज एंड जेंटलमैन, रियल करूंगा, मजाक नहीं करूंगा। इट्स टाइम फॉर द बेस्ट मीम ऑफ द ईयर। ओके ओके, okay, the IMA award for the best meme goes to Arpit Bala. Bhai saab, he deserves it. I don't think isse zyada deserving award ko bahut बहुत ही बढ़िया। A huge round of applause for Arpit Bala. बहुत बढ़िया भाई, he deserves it. मजा आ गया भाई। Yeah. Arpit, thank you Simon for giving me these awards. But when are you going to give us consistency? No man, nah. I'm just kidding. Nah, keeping the jokes aside, I love your work. Keeping your jokes aside, I love your work. Arpit. Nahin yaar, I genuinely really like you. I also like the people that thought ki main sirf hum pe to hai na, ye sab karke yahan tak pahunch jaunga, which I never thought could have been possible. And it just shows. ये बहुत बुरा आदमी है। हमारे यहाँ पे कॉमेडी की क्या स्टैंडर्ड है? सही बात, सही बात। Dumb, stupid. Congratulations to Arpit Bala, very well deserved. He's very funny. Actually, Arpit Bala के इतने सारे memes थे कि मुझे उसके लिए एक अलग category बनाना चाहिए था ना? हाँ, best Arpit Bala meme. Arpit Bala meme. जैसे हमेशा मेरा category हुआ करता था, the best Simon Says meme. भाई उसके लिए डालनी पड़ती वीडियो, ऐसा नहीं होता है। इस बार बेस्ट साइमन सेज मीम कैटेगरी नहीं था, बिकॉज़ आई वाज इनकंसिस्टेंट, राइट? या लाइक मी, कांग्रेचुलेशंस अर्पित। इससे बढ़िया क्या तुमको पता चलेगा कि मैं साइमन सेज का कितना बड़ा फैन हूं? अमेजिंग, बहुत। मैं खुद इनकंसिस्टेंट बहुत ज्यादा। ये लोग जो आज तुम्हारे लिए वोट कर रहे हैं उससे आगे निकल गया हूं मैं। 2 साल बाद क्रिंज और अनफनी बुलाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ओके, फाइनली टीसीएसजी एससीएसटी ओबीसी, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छे आज के मीम्स, अभी खत्म नहीं हुई है, 2-3 मिनट बचे हैं। Behind the scenes. क्या जब तक ये चल रहा है पीछे, भाई साहब well deserved. Like last time मैंने को याद है मैंने बोला था कि fixed है memes और मुझे पसंद नहीं आए थे, but this time बहुत सही
तुम लोगों ने बहुत काम बढ़िया काम किया है। सो यार दिस वाज मीम अवार्ड्स फाइनली डन रिएक्शन। अभी रॉ वीडियो जो है मेरे सामने जो दिख रही है वो 50-55 मिनट्स के अराउंड आई थिंक बनेगी, ऐसा समझो एक घंटे का बना रॉ रिकॉर्डिंग। तो देख रहे हो तुम, ये है हालत। क्या कह रहा था मैं, हाँ तो डन फाइनली वी आर बैक, साइमन इज़ बैक और भाई बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग सही चीज़ें मिली हैं लोगों को। मुझे लगता है अर्पित इज़ सो डिज़र्व्ड फॉर दिस बेस्ट मीम ऑफ द ईयर। भाई बहुत बढ़िया, अर्पित बहुत फनी है यार, ही इज़ वेरी फनी। लाइक मुझे कहीं लगता है कि ही इज़ मोर फनीयर, ही इज़ फनीयर देन डैंकुशु। मुझे नहीं पता, हो सकता बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट ही इज़ जेन्युइनली सो गुड। और बाकी सारे अवार्ड भी तुम लोगों ने वोट दिए, मैं तो था नहीं भैया, मैंने ना कैटेगरी डिसाइड की ना मैंने वोट दिए, तुम लोगों ने डिसाइड किए बहुत सही। पिछली बार मैंने ज़रूर कहा था कि फिक्स्ड हैं, ठीक है, और मैं कह रहा था कि सही चीज़ सही लोगों को नहीं मिला, बट इस बार मिला है। धीरे धीरे ना मेरी एनर्जी डाउन होती जा रही है, यहाँ पे भाई साहब 12 बज रहे हैं, सर में मेरे हो रहा दर्द और मेरी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। खैर तो यार मेनली जो चीज़ें हैं ना कि मैं कहाँ था, क्यों गायब था, कुछ चीज़ें मैंने बताई इंस्टाग्राम पे, थोड़ा थोड़ा लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस किया, बट आई थिंक मेनली मैं इसके बारे में कभी बाद में हम फुर्सत से बात करेंगे और आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड एंड वेयर वाज आई, क्यों गायब था मैं, था मतलब अगर तुम लोगों को जानना हो तो मुझे बताना और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मोस्टली चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बट कुछ हैं माइनर चीज़ें जो मैंने नहीं बताई, बट आई विल ट्राई कि इस बार से वीकेंड टू वीकेंड में एक आधा दो वीडियो डाल दिया करूं सैटरडे संडे में कहीं ना कहीं। बहुत बहुत थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बोल नहीं पाता हूं कभी शायद, और मैं शायद जितना भी बोलूं कम है। इवन कल मुझे कमेंट आया कि मैं आया था साइमन सेज के लिए था, बट मैं एक रिएक्शन गुड रिएक्शन की वजह से यहाँ रुक के जाऊँगा। और यार मतलब दिन बना दे तो तुम, एक वो कमेंट, एक वो कहीं भी बात ना, मतलब छप्पर फाड़ देती, मतलब मज़ा आ जाता, कुछ उन अलग सी ऊर्जा शरीर में पैदा हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं डालता हूँ वीडियोस के बावजूद भी लोग देख लेते हैं। इस साल का भी मैंने देखा तो उसमें भी व्यूज़ थे, वॉच टाइम था, और सो या वेरी वेरी थैंक यू। और फाइनली जो हम बोलते हैं एंड में कि भैया वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और या विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Everything's fine. We are rolling. I think yeah. Sound okay? Badhiya. Shuru karein. Khair. Okay. Ek minute. Yeah. So hello, dosto, welcome to the Bollywood. We're back with another video. And I mean. So hello, dosto, welcome to the Bollywood. And we're back with. Another video? ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा आ गया जम का, थोड़ा सा आ गया। ओके सर दोस्तों वेलकम टू बॉडी एनर्जी, मैं बैक विद अनदर वीडियो। सर दोस्तों वेलकम, यहाँ पे इतने बढ़िया सब चल रहा था सब कुछ, हे भगवान उठा ले मुझे, उठा ले। मुझे कुछ करना था, मैं भूल गया हूं, I'm blank right now. Okay. अबे यार हंसी आ जा रही मेरे को यार, दो गई मैं। क्या कह रहा था मैं? खैर तो यार मेरी ना आदत छूट गई बोलने की, मतलब बड़ा अजीब लग रहा मुझे हरकतें करते हुए।